हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मास इंजीनियरिंग पे आप लोगों को स्वागत है। मैं आइनुल, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के पास सामने एक वीडियो और नया लेके आया हूँ जो लाइफ के ऊपर से। तो एचएल आप लोग बोलेंगे काफ़ी दिन से आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, लेकिन एचएल क्या है, मेरा यूट्यूब में दो और चैनल है तो उसमें मैंने इधर उधर का वीडियो डालता हूँ जो लाइफ के ऊपर से नहीं है। तो मैं ये चीज़ें बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, मेरा फ्रेंड सर्कल में भी मैं ये चीज़ें देख रहा था, दुनिया का एचएल थोड़ा कैसे चल रहा है ये चीज़ें देख रहा था कि लोग आजकल जो टाइम पास की वीडियो है, टाइम पास की चीज़ें हैं, इसमें लोग बिजी रहते हैं और ये जो लाइफ के ऊपर से रहता है उसको लोग फॉलो नहीं करते, बोलता है कौन सुनेगा बादशाह। लेकिन मैं देखिए ये वीडियो बनाता हूँ, ना मेरा सब्सक्राइबर का ज़्यादा कोई ये है ना कोई चीज़ होगी, मैं इसलिए बनाता हूँ कि मेरे दिल की बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के सामने और लोग उस चीज़ को समझे, सोचे और अच्छे लगे तो उसके ऊपर विचार करें। कि मैं कोई पैसा कमाने के लिए ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाने का तो आदर्स है, लेकिन ये सिर्फ मैं लोगों के सामने, क्योंकि पैसा तो बाद में आएगा, पहला तो मेन क्या है, मैंने अदर्स वीडियो में भी आप लोगों को वही चीज़ें बताया था। देखो लाइफ में क्या है, पैसा के पीछे अपन हम ना भागे, पैसे के पीछे हम ना भागे, क्यों? पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, पैसा हमारे पीछे भागे, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे काम करो जो किसी और की अच्छे के लिए, टाइम मल्टीप्लाई काम करो, किसी और को इंसान बनाने के, किसी और को पैसा वाले बनाने का काम करो, किसी और के घर में रोशन लाओ तो आपके घर में ज़रूर रोशन आएगा, किसी और को 100 रुपया कमाने का लायक बनाओगे तो आपके घर में ज़रूर 10 रुपया आएगा, क्योंकि पैसा आना ही है, नाम इज्जत शोहरत ये चीज़ें आने के बाद पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। आप पैसे के लिए भागोगे तो पैसा आपसे दूर जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये बोला, ये वीडियो मैंने पैसे के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपना नाम चाहता हूँ, अपने अच्छे लोगों की अच्छे के लिए मैंने वीडियो बनाता हूँ, तो लोगों को अच्छा लगे। कोई ना कोई जो वीडियो देख रहे हैं, कोई लोग अभी देख रहे होंगे या आगे देखेंगे, 2-4 मिनट देख के बोलेंगे वो सब कौन सुनेगा भाषण, बाद में देखता हूँ बोल के काट देंगे। कोई लोग ऐसे सुनेंगे नहीं, बंदे में दम है, कुछ और सुन लो क्या बोलता है। तो जो लोग ये वीडियो को, मैं 100% बोलता हूँ, जो लोग मेरा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ है जो लास्ट एंड तक देखते क्या है इसने, क्या बोलता है इस इंसान ने, तो ये लास्ट एंड तक सुनते हैं तो उसमें से क्या है, वो इंसान कैसे बोला, किसने कैसे बनाया, वो सब के नहीं, वो क्या बोला है, उसके ऊपर पॉइंट क्या है, क्या अपने लाइफ में सुधार ला सकता हूँ, इस चीज़ को जो इंसान फॉलो करे वही इंसान सुधार सकता है, वही इंसान लाइफ में कुछ कर सकता है। देखो लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ सीखना ज़रूरी है, हर किसी ना किसी मोड़ पे आपको उस्ताद मानना पड़ता है, उस्ताद किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। आप लाइफ में चलने के लिए आप बचपन से माँ बाप ने आपको सिखाया, माँ बाप के बाद आपको टीचरों गुरु ने सिखाया, फिर कोई कंपनी में जॉब मिला गया, कंपनी का किसी ना किसी को उस्ताद माने, उसके बावजूद भी आपका जब सक्सेस नहीं हो रहा है तो आप लाइफ में कुछ बुक्स वगैरह, किसी बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ो, किसी बड़े लोगों की वीडियो सुनो, किसी हमारे जैसे पागल लोगों की भी वीडियो सुनो। मैं नहीं बोलता हूँ मैं कोई बड़ा लोग हूँ, मैं एक पागल हूँ, समझो एक आप लोगों के बीच का, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, मेरा एक वीडियो सुनिए, उसमें भी ऐसे कोई वीडियो सुनोगे जिसमें कोई लाइफ चेंजेस का है तो आप लाइफ में कुछ, अपने में कुछ कमी है तो उसको सुधार सकते हो। मेरे में भी बहुत कमियाँ हैं, मैं भी और लोगों की वीडियो सुनता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ ऐसे नहीं है, मैं लोगों का भी वीडियो सुनता हूँ, मेरे में क्या कमी है ये चीज़ें सीखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैंने इस वीडियो में बोला था कि इस लाइफ के ऊपर से, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, लेकिन इसके बाद ये एक वीडियो बनाया हूँ जो लाइफ में प्यार और मोहब्बत, विश्वास क्या चीज़ होता है, इसके ऊपर कुछ बातें मैं करता हूँ। हाँ लेकिन सुनिए, ये प्यार बोले तो आप लोग ये मत समझिए कि कोई दो आशिकी प्यार करते, जो लड़का लड़की का प्यार, उस प्यार नहीं है। इस प्यार के ऊपर से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद सेकंड वीडियो मैं उसके ऊपर बना लूँगा वो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग पागल बोलते हैं कि इतना टाइम का वीडियो कौन देखेगा, इसके लिए वो वीडियो नेक्स्ट बना दूँगा। लेकिन इस वीडियो जो है, ये प्यार अलग प्यार है, ये प्यार जो है माँ बाप का प्यार, बच्चों की प्यार, माँ बाप की विश्वास, भरोसा,
बच्चों की भरोसा। तो ये वीडियो बताने से पहले मैं बोलने से पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बच्चा था, उसका बाप बचपन पे गुजर गया था। उस बच्चे ने अपने माँ को इतना भरोसा, इतना विश्वास करता था कि लाइफ में उसने अपने माँ को छोड़ के कोई काम नहीं करता था, किधर जाता नहीं। तो उसने बचपना तो ऐसे ही गया, माँ के साथ ही घूमता था, माँ के साथ किधर भी गया तो अकेला कभी ज़िंदगी में किधर नहीं गया, माँ के साथ ही जाता था। एक दिन अचानक पे वो लड़का बड़ा हो गया, घर की फैमिली के मतलब घर की प्रॉब्लम, जो फैमिली का पैसे का प्रॉब्लम, लोगों की ताना, ये सब वो काफ़ी मुश्किलात के सामना करने के बाद वो बचपन ने क्या लड़के ने क्या देखा कि उसका और दो भाई हुए थे, और भी भाई थे। वो भाई लोग मतलब सोचा कि मैं तो पढ़ाई नहीं करूँगा यार, क्योंकि मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को कुछ अलग ही बनना है, भाई लोगों को पढ़ने दो। तो वो लड़का ने 10वीं भी नहीं किया था, लेकिन गांव से निकल गया, अचानक निकल गया। आप उस चीज़ को समझो, वो लड़का अपने खुदा के ऊपर, अपने माँ के ऊपर इतना भरोसा, और ख़ुद के ऊपर इतना भरोसा, इतना हिम्मत था कि उसने ज़िंदगी में इतनी उम्र पे 15-16 साल हो गया, लेकिन आज तक कभी अकेला घर के बाहर नहीं गया। उस लड़का ने उस टाइम घर से निकल गया, घर से कुछ 3-4 घंटे के दूरी में एक अदर जगह स्टेट में चला गया पैसा कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए। वहाँ पे गया, काफ़ी मुश्किलात के सामना किया, लोगों के दुकानों पे नौकरी किया, बहुत उसका कहानी बताते रहूँगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके खुद के ऊपर भरोसा था, माँ के ऊपर भरोसा था। उसने जाने के बाद पहले माँ को नहीं बताया, उस टाइम ये किया, माँ को बोला मैं चला जाऊँगा, इतना ही बोल के चला गया। माँ ने रुकाया, बोला नहीं माँ, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, तो चला गया, ज़िद्दी करके निकल गया। जाने के बाद टोटल 6 महीना डायरेक्टली नहीं आया, उसके बाद आया। उसके बाद से उसके खुद के ऊपर हिम्मत था। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम करता था लाइफ में, हर बात को, बीमार पड़ा वो भी माँ को बताता है, ये करूँ माँ को बताता है, ये लड़की से प्यार करूँ कर रहा हूँ, ये लड़की प्यार का प्रपोज डाला, हर चीज़ें माँ से शेयर करता था। वो लड़का का इतना माँ के ऊपर भरोसा था कि माँ को अगर एक बार ऐसे आजमा के भी दिखा उसने कुछ सालों के बाद। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, उसको काफ़ी पैसा भी कमाया, उसने बड़ा आदमी बन गया, भगवान के देन से वो बहुत बड़ा ही हो गया। लेकिन उसने बोला माँ, क्या माँ को, माँ ने बोलता है उसका कि मेरे को कभी कभी वो बीमार पड़ता है, माँ को फ़ोन करता है, माँ बोलता है फ़ोन करते हैं, माँ तो बोलता है बीमार हो, तो माँ बोलता है हाँ मेरे को मालूम था, मेरे को आज तो कुछ तो लग रहा था एहसास ऐसे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बोला कि माँ सच्ची में ऐसे बोलता है कि मेरे सामने ऐसे नाटक करता है। एक दिन उसने खुद के साथ परीक्षा लिया, माँ का और उसका बीच का। तो उसके बाद उसने क्या हो गया कि शादी होने के बाद इस कहानी है, क्योंकि शादी के बाद बोलता है ना बीवी का प्यार कुछ कान में घुस जाता है, बीवी का लाड प्यार इतना घुस जाता है कि कभी कभी माँ को भी पराया समझ लेता है, बस पूरा ज़िंदगी का माँ ने जो पाल पोस के बड़ा किया वो माँ को भूल जाते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ बार ऐसे बीमार पड़ गया, ऐसे मुसीबत आ गया कि माँ को बिल्कुल नहीं बताया, बोला माँ को बताता ही नहीं, दिखता हूँ माँ को कैसे खबर मिलता है, कोई तो बताने वाला नहीं है, बीवी तो बोलेगी नहीं, दिखता हूँ माँ को पता चलता है। बराबर उसको जिस दिन, अगर समझ लो आज अगर उसको बुखार हो गया, कुछ हॉस्पिटलाइज हो गया, बराबर उस दिन फ़ोन ना आए तो दूसरा दिन बराबर माँ का फ़ोन आता है और बोलता है कैसे है रे तू, अच्छा है, मेरे को बहुत घबराहट हो रहा था, तेरे को अच्छा है ना। तो उसका आवाज़ सुन के ही माँ बोलता है तेरे को तो कुछ हुआ, बेटा बोलता है नहीं माँ अच्छा हूँ, नहीं माँ अच्छा हूँ। वो कभी भी कितना भी तकलीफ में रहता था माँ को बोलता था अच्छा हूँ, ना खाया तो भी बोलता था माँ अच्छा हूँ, खाया हूँ। माँ को तकलीफ में देखना नहीं चाहता था वो लड़का, माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ को बाद में बताएगा, लेकिन बोलेगा तुम टेंशन मत लो माँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ध्यान रखो ऐसे। तो उसका माँ बोलता है तू झूठ मत बोल, मेरे को सच बता। तो बोलता था ऐसे 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 हुआ, ऐसे एक बार दो बार तीन बार हुआ। तो उसके बाद उसको भरोसा हो गया कि हकीकत में माँ को बराबर अपना बच्चा बीमार है तो मालूम पड़ता है। तो
इसके ऊपर से ये कहानी बताया, कहानी एक्चुअल बहुत लंबा था, मैं शॉर्ट फॉर्म पे बताया। तो इसके ऊपर से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं नहीं जानता कि आप लोग माँ से कितना प्यार करते, या अगर दोस्तों आप लोग में से किसी एक ने भी कोई माँ बाप के साथ अगर बुरी बर्ताव करते हो, प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट है, छोटा भाई के हिसाब से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ और बाप अगर कोई औरत लोग अगर देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों के सास ससुर जो रहता है शादी के बाद वही माँ बाप है, उनका प्लीज़ खिदमत कीजिए, उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, जब तक दुनिया में है उन लोगों को प्यार कीजिए, क्योंकि उन लोगों का प्यार से आप ज़िंदगी में इतने आगे जाओगे कि मैं बोलने की कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी और गुजारने के बाद भी आप उन लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करोगे अच्छे, तो आपके बच्चों के साथ ऐसे पीढ़ी पीढ़ी तक ऐसे अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए माँ बाप को बोलते हैं, बाप को बोलते हैं आप पापा आप, ऐसे आप करके बात करते, पापा से डरते हैं, पापा को हर बात नहीं बताते, और माँ को बोलता है तू माँ समझेगा नहीं, तू माँ इधर जाए, माँ तेरे को समझ में नहीं आता, ये चीज़ दे वो चीज़ दे ये कर, पापा तू माँ को मत बता, माँ को तू और बाप को आप बोलने का पीछे रीज़न क्या है, मैं ये समझ आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि बाप को डर के बाप मारेगा, इसलिए बाप को डर के बाप को आप बोलते हो और माँ को तू बोलते हो। माँ को भी उतना ही प्यार करना चाहिए, बाप को भी उतना ही प्यार करना चाहिए, हालांकि बाप से भी बढ़कर माँ है। बाप अपना डर बाहर दिखाता है, अपना प्यार मतलब जाहिर नहीं करता है, लेकिन बच्चों को डरा के अपना प्यार को छुपा के रखता है, और माँ जो है अपना प्यार को सामने कर देती है, इसके लिए माँ कचड़ा हो जाती है। बहू जो है सास को ऐसे समझता है ये तो सास है, ये ऐसे ताना मारती है, वैसे करती है, ऐसे गाली देती है, ऐसे चिड़चिड़ करती है। देखिए बहुत सारे औरत लोग है, मेरे को एक औरत ने एक शिकायत किया था कि मेरा सास मेरे को बहुत किटकिट करती है, बहुत चिड़चिड़ करती है। मैं बोला क्यों करती है, बोले थोड़ा खाना ज़्यादा बना दिया, अगर थोड़ा नष्ट हो गया तो थोड़ा सा गलती हो गया तो इतना किटकिट करती है, ऐसे मतलब बहुत सारे बोले। तो मैं उस औरत को इतना ही बोला, देखो वो तुम्हारा पति का माँ है, यानी कि तुम्हारा माँ है, और वो बेचारी अभी बुढ़ी हो गई, बुढ़ी होने के बाद जो इंसान बूढ़ा होने के बाद इंसान के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो अगर बच्चे के सामने तुम बच्चा बन जाओगे तो नहीं होगा ना, तुम समझ के काम लेना पड़ता है ना, तो बूढ़ा होने के बाद इंसान वापस बच्चा बन जाते हैं, तो उस टाइम अपने को संभाल के लेना ज़रूरी है। कभी कभी उसी टाइम इंसान जो है कि बिस्तर में सुसू भी तक कर देंगे, करके ही बोलेंगे मैंने नहीं किया, ऐसे जो बच्चे हरकत करते सेम टू सेम बूढ़े ऐसे हरकत करेंगे। उस टाइम जिस औरत ने, जिस बहू ने, जिस बेटा ने संभाल के रखा, उसका समझ लो दुनिया और आखिरत, दुनिया में भी और ऊपर में भी हर जगह में उसका कामयाब हो गया वो समझ, और इसका फ़ायदा इतना होएगा कि वो ज़िंदगी दुनिया में जब तक रहेगा, भले तुम देखोगे वो अमीर नहीं है, लेकिन इतना खुशी इतना सुकून का ज़िंदगी गुजारेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट मैंने वही करता था कि दोस्तों आप लोग प्लीज़ माँ बाप से ढेर सारे प्यार कीजिए, और माँ बाप से प्यार करेंगे, बड़ों की इज्जत रखेंगे, लोगों को कभी तकलीफ़ ना दे, हमारे वजह से किसी और की तकलीफ़ पहुँचे ऐसे काम बिल्कुल ना करे। ज़िंदगी सामने वाले ने कितना भी आपके साथ बुरा करे, आप ये ना सोचे कि उसने मेरे साथ इतना बुरा करता है मैं क्यों इसका भला करूँ, उसका कर्मों को बुरा मानो, इंसान को बुरा मत मानो, क्योंकि इंसान दिया हुआ भगवान का, हर कोई इंसान एक ही मालिक का है। तो भगवान ने बोला, किसी इंसान को खुदा ने बोला, किसी भगवान खुदा जो है सब एक ही है, जो उन्होंने क्या बोला है कि हमारा दिया हुआ इंसान को बुरा मत मानो, हम जिस एक इंसान ने दूसरे इंसान को बुरा मानो वो बुरा मानता है, वो मेरे सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि उसका कर्मों को बुरा मानो, वो चोर है तो उसका चोरी को बुरा करो, बुरा मानो, उसका चोरी से सुधारने का कैसे उस रास्ता ढूंढो, लेकिन उसको बुरा मत मानो,
और चोर है, तुम्हारा घर का चुरा लिया फिर भी कल एक मुसीबत में गिरा तो उसको बचाने के लिए जाऊँगा। ऐसे आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, नरसू वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो ज़िंदगी में ये दो चीज़ों की ध्यान रखो, बड़े छोटे हर किसी को तमीज़ इज्जत दो, लोगों की प्यार मोहब्बत दो, लोगों की अच्छे के लिए सोचो, माँ बाप की इज्जत करो। सबसे पहला आपका जो भी खुदा जो भी भगवान ये है, मुस्लिम है तो आप लोग फिर प्लीज़ अल्लाह की इबादत करें, हिंदू है तो आप लोग आपका जो भी एक भगवान को मानते हो उस भगवान का पूजा पाठ करें। और माँ बाप की उसके बाद सेकंड होता है तो खुद के ऊपर भरोसा रख के माँ बाप के इज्जत करो, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़िंदगी में अच्छा होएगा। वीडियो में काफ़ी लंबा हो रहा है तो प्लीज़ मैं आगे वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और एक बना दूँगा, उसमें आप लोग बाकी का पॉइंट ये हो जाएगा। तो वीडियो इतना टाइम तक देखने के लिए आप लोगों को सही दिल से शुक्रिया। और आप लोग अगर जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर दिल करे तो प्लीज़ लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब रहता है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में एक बेल रहता है उसको दबा देंगे तो नेक्स्ट जो भी वीडियो डालता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और एक माँ के लिए वीडियो को शेयर कीजिए आगे। आप लोगों को अगर माँ से प्यार है तो प्लीज़ वीडियो को आके शेयर कीजिए, और मैं दिखता हूँ इसमें जितना ज़्यादा ये आएगा उसके ऊपर से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, और माँ के ऊपर से कुछ बातें और बाकी हैं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।